विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फीकस सिर्फ 5,000। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान लेट बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खबरों में और बाहर रहे हैं। इनकी खुदकुशी से मुतालिक साजिशी थ्योरियों का कोई खात्मा नहीं। वाकयात के एक नए मोड़ में मुर्दा खाने के अमले के एक मेंबर रूप कुमार शाह ने TV9 मराठी को इंटरव्यू देते हुए एक्टर की मौत के बारे में चौंका देने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि एक्टर की मौत खुदकुशी नहीं थी, बल्कि इसे कत्ल किया गया था। इसके जिस्म और गर्दन पर जख्मों के निशानात देखने का भी दावा किया। मुर्दा खाने के अमले ने कहा कि कूपर हॉस्पिटल में सुशांत की मौत के दौरान हमें पोस्टमार्टम के लिए 5 नाशें मिली थी। 5 में से एक VIP बॉडी थी। पोस्टमार्टम के दौरान हमें मालूम हुआ कि यह सुशांत सिंह की नाश थी। इसके जिस्म पर मारपीट के निशानात थे। ऐसा लगता था कि मारपीट की वजह से इसके बाजू और टांगे टूट गई हैं। मैंने आला हुकाम को बताया कि यह कत्ल नहीं बल्कि खुदकशी लगता है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए, लेकिन मुझे सिर्फ अपना काम करने और सिर्फ नाश की तस्वीर लेने को कहा गया। मेरा काम जिस्म को काटना और सिलाई करना था और मैंने सिर्फ वही किया, इन्होंने मजीद कहा। सुशांत सिंह 14 जून 2020 को इनके बांद्रा अपार्टमेंट में पाए गए थे। ये केस तहकीकात के लिए CBI को भेज दिया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की मेडिकल टीम ने सितंबर 2020 को कहा कि सुशांत की मौत खुदकुशी का मामला है। टीम ने यह भी कहा कि एक्टर की मौत फांसी की वजह से दम घुटने के नतीजे में हुई। सुशांत ने अपने कैरियर का आगाज छोटे पर्दे से किया। इन्हें अपना बड़ा ब्रेक सीरियल पवित्र रिश्ता में मिला। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा इनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जिसे फैंस की जानिब से जबरदस्त तारीफ और प्यार मिला। पेश है AA3 तेलंगाना न्यूज से ये खुसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए चैनल को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।